हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। कुछ टाइम पहले तमिल में एक सिनेमा रिलीज हुई थी, अरनमई 4। लोगों को बहुत पसंद आई और इतना अच्छा रिस्पांस रहा कि मेकर्स को फिल्म हिंदी में भी रिलीज करनी पड़ी। जी हाँ, लोगों के डिमांड पे फिल्म 31 मई को हिंदी में रिलीज हो चुकी है। तो अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। रिव्यू से पहले बताना चाहूँगा, सिनेमा का अब कोई प्रजाति नहीं रहा। फिल्म चाहे साउथ इंडस्ट्री से रिलीज हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलीज हो, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री से, किसी भी कोने से फिल्म आए, अब पैन इंडिया फिल्म बनती जा रही है। वन इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये उसके पिछले पार्ट यानी कि 1, 2, 3 पार्ट जो फिल्म आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रही है। इस फिल्म का डायरेक्टर सुंदर सिंह ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस फिल्म का डायरेक्शन किया है उन्होंने। इस फिल्म का VFX काफ़ी हद तक बिग बजट मूवी जैसी लगेगी आपको। तो बात करते हैं फिल्म के हॉरर एलिमेंट्स की, तो दोस्तों कई बार आपको अपनी आँखें भी बंद करनी पड़ सकती है क्योंकि कॉमेडी जितनी बेहतरीन है उतनी खतरनाक सीन्स भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। ये फिल्म एक ओवरऑल पैकेज के साथ आपको मिलती है। इतनी बढ़िया कास्ट, तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना आपको लीड रोल में दिखेंगी। एक इंगेजिंग स्टोरी जिसके साथ बिल्कुल स्टार्ट से ही आप बंध जाओगे। स्मार्ट डायरेक्शन और हॉरर एलिमेंट्स। अरनमई 4 अभी तक के सारे पार्ट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी अच्छी होगी। तो आप भी जाइए अपने नजदीकी सिनेमाघरों में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप भी आनंद लीजिए जिस तरीके से मैंने आनंद लिया। फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।